three copper wires have their lengths in the ratio 5:3:1 and their masses are in given ratio. Their electrical resistance will be in the ratio. जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों वायर कॉपर के हैं तो तीनों की डेंसिटी भी सेम होगी, साथ ही साथ तीनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी. मासेस का रेशो दिया है, लेंथ का रेशो दिया है. चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे करें इस टाइप की प्रॉब्लम को. तो लेंथ का जो रेशो दिया है L1, L2, L3, ये आपको दिया है 5:3:1. मासेस का जो रेशो दिया है ये आपको दिया है 1:3:5. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए. अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दें हम तो दैट इज रो एल स्क्वायर बाई ए एल एंड इट इज रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम. A into L इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर. और बच्चों वॉल्यूम क्या डेंसिटी से कैसे रिलेट है, तो D इज इक्वल टू डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई डेंसिटी, वैल्यू रखती वॉल्यूम की, M डिवाइडेड बाई D. और ये D ऊपर चला जाएगा. तो आप देखिए कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ से लेंथ के स्क्वायर और मास के. तो हम लिख सकते हैं R1, R2, R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3. अगर L1 की वैल्यू रखें तो दैट इज 25. M1 कितना है, 1. L2 की वैल्यू रखे दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 इज 3. L3 की अगर वैल्यू रखे दैट इज 1 स्क्वायर विच इज 1 एंड M3 इज 5. सो इट इज 25 3 एंड 1 बाई 5. कैन बी सॉल्व एज 125 15 एंड 1 एंड इट इज द आंसर. तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन C सही है.